हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम यूपीएससी आईएससी सेट के जनरल नॉलेज के ऊपर इन्वेंशन इस पर पहली क्विज लाए हैं। फर्स्ट क्विज है इन्वेंशन के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु पेटेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक हियरिंग एड इन 1901, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक हियरिंग एड की पेटेंट 1901 में किसने किया? एडविन स्टीवंस, मिलर रिजे, हचिंसन एडवर्ड स्टीवंस या कार्मेन हचिंसन मिलर, तो इनमें से कौन था वो व्यक्ति? तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, मिलर ऋषि हचिंसन। मिलर ऋषि हचिंसन पेटेंट द फर्स्ट इलेक्ट्रिक हियरिंग एड इन 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, वेयर डिड द फर्स्ट बर्थ कंट्रोल क्लिनिक ओपन इन 1881, यानी कि कहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट बर्थ कंट्रोल क्लिनिक ओपन इन 1881, 1881 में सबसे पहला बर्थ कंट्रोल क्लिनिक कहाँ पे ओपन हुआ था? यूएसए में, यानी कि आज के अमेरिका में, यूके यानी इंग्लैंड में, या हॉलैंड या जर्मनी में? इसका सही आंसर है हॉलैंड में। हॉलैंड में द पहला बर्थ कंट्रोल क्लिनिक ओपन हुआ था 1881 में। इन द हॉलैंड द फर्स्ट बर्थ कंट्रोल क्लिनिक ओपन इन 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, इन विच ईयर वॉज द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फर्स्ट मार्केटेड कमर्शियली? किस साल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फर्स्ट मार्केटेड कमर्शियली, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो सबसे पहले मार्केट में कमर्शियली लॉन्च की गई, किस साल? 1965, 1960, 1961 या 1964, यानी कि 1965, 1960, 1961 या 1964? इसका सही आंसर है 1960। 1960 में सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मार्केट में कमर्शियली आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, हु प्रोड्यूस द फर्स्ट सिंथेटिक इंसुलिन इन 1921? सबसे पहले सिंथेटिक इंसुलिन 1921 ने 21 में किसने प्रोड्यूस की? फ्रेडरिक ग्रैंड बैंटिंग, चार्ल्स बेस्ट, बोथ ए एंड बी या लिनॉर्ड थॉमसन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए एंड बी बोथ, फ्रेडरिक ग्रैंड बैंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट, दोनों ने सबसे पहले सिंथेटिक इंसुलिन प्रोड्यूस किया था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, द फर्स्ट ऑपरेशन कैरिड आउट यूजिंग एनेस्थेशिया वॉज परफॉर्म बाय डॉक्टर क्रॉफर्ड लॉन्ग इन। सबसे पहला ऑपरेशन एनेस्थीसिया से ऊपर कैरिड आउट यूजिंग एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया से यूज करके परफॉर्म किया डॉक्टर चैडविक लॉन्ग ने, किस साल? जो सबसे पहला ऑपरेशन हुआ एनेस्थीसिया से यूज करके, एनेस्थीसिया का यूज करके जो कि परफॉर्म किया था डॉक्टर क्रॉफोर्ड लॉन्ग ने, वो किस साल उन्होंने परफॉर्म किया था? 1843, 1845, 1842 या 1834? नेक्स्ट, तो इन चारों में से हमें यहाँ पे एक आंसर शोधना है सही वाला, तो किस साल किया गया था? तो वो था 1842। द फर्स्ट ऑपरेशन कैरिड आउट यूजिंग एनेस्थेशिया वॉज परफॉर्म बाय डॉक्टर क्रॉफोर्ड लॉन्ग इन 1842। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ दिस वॉज यूज एज द फर्स्ट इंट्राविनल जनरल एनेस्थेटिक? नीचे देखे में से कौन सा सबसे पहले यूज हुआ था फर्स्ट इंट्राविनल जनरल एनेस्थेटिक? ऑप्शन नंबर वन वेरोनल, सेकंड कोकेन, थर्ड क्लोरोफॉर्म, फोर इथर। तो सबसे पहला यूज किसका किया था फर्स्ट इंट्राविनल जनरल एनेस्थेटिक, वो थे वेरोनल। वेरोनल इज यूज्ड एज द फर्स्ट इंट्राविनल जनरल एनेस्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, हु प्रोड्यूस द फर्स्ट फॉल्स टीथ? सबसे पहले फॉल्स टीथ किसने प्रोड्यूस किए? रेड इंडियंस, अफ्रीकन्स, इट्रूस्कैंस या चाइनीज? तो सबसे पहले कौन सी ह्यूमन स्पेसिस थी या ह्यूमन पार्ट थे जिन्होंने सबसे पहले फॉल्स टीथ प्रोड्यूस किए? रेड इंडियंस, अफ्रीकन्स, इट्रूस्कैंस या चाइनीज, या फिर ट्रूस्कैंस उन्हें कह सकते हैं ऑप्शन नंबर थ्री को। तो इसका सही आंसर है ट्रूस्कैंस, इन्होंने ही सबसे पहले फॉल्स टीथ प्रोड्यूस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट टूथपेस्ट एंड द फर्स्ट माउथ वॉश?
किसने सबसे पहले टूथपेस्ट और सबसे पहला माउथवॉश इन्वेंट किया? वो थे अमेरिकन्स, जापनीज, रोमन्स या इस्किमोस। इनमें से किन ने पहला टूथपेस्ट और पहला माउथवॉश इन्वेंट किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रोमन्स ने। रोमन्स ने सबसे पहला टूथपेस्ट और सबसे पहला माउथवॉश इन्होंने इन्वेंट किया, रोमन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु डिजाइन द फर्स्ट एडजस्टेबल डेंटल चेयर? तो सबसे पहले किसने एडजस्टेबल डेंटल चेयर डिजाइन की? एलेक्सिस डुचेट्यू, जेम्स नेल, हॉरेस हाइडेन या जॉर्ज ग्रीन। तीन चारों में से किसने सबसे पहला एडजस्टेबल डेंटल चेयर इन्वेंट किया? एलेक्सिस डुचेट्यू, जेम्स नेल, हॉरेस हाइडेन या जॉर्ज ग्रीन। तो इसका सही आंसर है जेम्स नेल। जेम्स नेल ने सबसे पहला एडजस्टेबल डेंटल चेयर इन्वेंट डिजाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर बिल्ट? किस साल सबसे पहला आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर बिल्ट हुआ यानी कि बनाया गया? 1923, 1928, 1927 या 1930। इसका सही आंसर है 1927। इन 1927 द फर्स्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर बिल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु परफॉर्म द फर्स्ट ह्यूमन लंग ट्रांसप्लांट इन 1963? तो सबसे पहला ह्यूमन लंग ट्रांसप्लांट 1963 में किसने परफॉर्म किया? किस डॉक्टर ने पहला ह्यूमन लंग ट्रांसप्लांट 1960 में परफॉर्म किया? जोसेफ मरे, एम्ब्रोस परे, जेम्स हार्डी या जेपी मेरिल। तीन चारों में से किसने सबसे पहला ह्यूमन लंग ट्रांसप्लांट 1960 में परफॉर्म किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जेम्स हार्डी। जेम्स हार्डी परफॉर्म द फर्स्ट ह्यूमन लंग ट्रांसप्लांट इन 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कार्डियक पेसमेकर इन 1952? किसने फर्स्ट कार्डियक पेसमेकर इन्वेंट किया 1952 में? वो थे पॉल जॉल, एके सेनिंग, रून अल्मक्विस्ट या विल्सन ग्रेट बैच। तीन चारों में से किसने फर्स्ट कार्डियक पेसमेकर 1952 में इन्वेंट किया? इसका सही आंसर है पॉल जॉल। पॉल जॉल इन्वेंटेड द फर्स्ट कार्डियक पेसमेकर इन 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू रिसीव अ ट्रांसप्लांटेड हार्ट इन 1964? वो पहला इंसान कौन था जिसने एक ट्रांसप्लांटेड हार्ट रिसीव किया 1964 में, यानी कि उसको उसकी जान बचाई गई एक दूसरे ह्यूमन के हार्ट को ट्रांसप्लांट करके सबसे पहले 1964 में। उस इंसान का नाम क्या था? उसका नाम ऑप्शन है डेनिस एंड डरवाल, बॉयड रश, लुइस वास्कांसा, एल्बर्ट स्टार। तो इन चारों में से कौन है? इसका सही आंसर है बॉयड रश। बॉयड रश वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू रिसीव अ ट्रांसप्लांटेड हार्ट इन 1964। बॉयड रश ये पहले इंसान थे जिन्होंने ट्रांसप्लांटेड हार्ट रिसीव किया 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन मैमल्स? वो पहला इंसान कौन था जिसने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मैमल्स में डिस्क्राइब किया, यानी कि जो मैमल्स में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो कौन से पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले वो डिस्क्राइब किया अच्छे से? फ्रैंकोइस पॉटर, विलियम हार्वरी, कार्ल लैंडस्टीनर या सर्गी यूडिन। तीन चारों में से कौन वो इंसान था? तो इसका सही आंसर है विलियम हार्वरी। विलियम हार्वरी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु डेवलप्ड द फर्स्ट आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स यूजिंग पैराशूट सिल्क? वो पहला आर्टिफिशियल ब्लड वेसल किसने डेवलप किया यूजिंग पैराशूट सिल्क? पैराक्यूट सिल्क का यूज करके द फर्स्ट आर्टिफिशियल ब्लड वेसल, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल ब्लड वेसल है वो किसने डेवलप की? आर्थुर वुरहिस ने या एंड्रीज ग्रुनजिग ने, रॉची नाइटो ने या डॉक्टर पर्सी ऑलिवर ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आर्थुर वुरहिस ने। आर्थुर वुरहिस ने डेवलप की द फर्स्ट आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स यूजिंग पैराशूट सिल्क। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर का नाम आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, आर्थुर वुरहिस। तो किसी भी नाम यहाँ पे
बहुत सारे नाम यहाँ पे यूज होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना और नाम लिख लेना एक्चुअली। हु डेवलप द फर्स्ट आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स यूजिंग पैराशूट सिल्क, यानी कि अगर इससे अच्छा कि आप अगर स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं तो भी अच्छा रहेगा, आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लड बैंक सेटअप इन 1931। सबसे पहले कहाँ पे वर्ल्ड्स फर्स्ट बैंक ब्लड बैंक सेटअप 1931 में था, न्यूयॉर्क में, मॉस्को में, शिकागो में या लिप्सिट में, इप्सिट में, तो इन चारों में से कौन, कहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट ब्लड बैंक सेटअप था 1931 में, न्यूयॉर्क, मॉस्को, शिकागो या इप्सिच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मॉस्को में। मॉस्को वॉज द ब्लड वर्ल्ड फर्स्ट ब्लड बैंक सेटअप इन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु प्रोड्यूस द फर्स्ट इफेक्टिव ईसीजी इन 1903। सबसे पहली इफेक्टिव ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम 1903 में किसने प्रोड्यूस की, लिपोल्ड, यूनब्रुगी, रेमंड डेमेडियन, विलियम इंथोवेन या रोटिंगंट। तो इन चारों में से किसने सबसे पहले इफेक्टिव ईसीजी 1903 में प्रोड्यूस की, तो इसका सही आंसर है विलियम इंथोवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ द फर्स्ट क्लोन मैमल्स, फर्स्ट क्लोन मैमल्स के नाम क्या थे, मराग एंड मेगन, डॉली एंड मोली, मिकी एंड मिनी, जॉली एंड लॉली। तो इन चारों में से कौन वो दो थे वो जो फर्स्ट क्लोन मैमल्स थे, उनके नाम थे, तो इसका सही आंसर है मराग एंड मेगन, ये दो नाम थे, मराग एंड मेगन वेयर द नेम्स ऑफ द फर्स्ट क्लोन मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न इन इंग्लैंड ऑन जुलाई 25, 1978। वो कौन था जो वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था जो बॉर्न हुआ था इंग्लैंड में ऑन जुलाई 25, 1978। लेस्ली ब्राउन, लुइस ब्राउन, डेनिश ब्राउन या इल्सी ब्राउन। तो इन चारों में से कौन था, तो वो है लुइस ब्राउन। लुइस ब्राउन वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न इन इंग्लैंड ऑन जुलाई 25, 1978। डेट याद रखिएगा, जुलाई 25, 1978, द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न इन इंग्लैंड, विच नेम हुज हु नेम हैज लुइस ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वेयर वॉज द फर्स्ट सेक्स चेंज ऑपरेशन परफॉर्म इन 1952। तो कहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट सेक्स चेंज ऑपरेशन परफॉर्म किया था 1952 में, यानी कि लिंग बदलने की, अगर मेल है तो फीमेल में कन्वर्ट करना, फीमेल है तो मेल में कन्वर्ट करना, ऐसी जो ऑपरेशन था वो 1952 में कहाँ पे परफॉर्म किया गया था, डेनमार्क में, फिनलैंड में, यूएसए यानी कि अमेरिका में या फ्रांस में। तो इसका सही आंसर है डेनमार्क में। डेनमार्क वॉज द फर्स्ट सेक्स चेंज ऑपरेशन परफॉर्म इन 1952। डेनमार्क में, इन डेनमार्क देयर वॉज द फर्स्ट सेक्स चेंज ऑपरेशन परफॉर्म इन 1952। तो इसी तरह से 20 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं जनरल नॉलेज की बेसिक के ऊपर, इन्वेंशन इस टॉपिक के ऊपर, फर्स्ट क्विज इन्वेंशन के ऊपर कम्प्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से मोटिवेटेड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप जितना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार हमारे साथ बनाए रखेंगे, हम इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।